हिंदू धर्म विच जन्म तो लेके मौत तक 16 किस्मां दे संस्कार हुंदे हन। तीर्थ पुरोहित ओह ब्राह्मण हुंदे हन जो जजमाना दे पूजा पाठ कर्म कांड ते क्रिया कर्म सने तमाम धार्मिक कार्ज पूरे करवाउंदे हन। इह लोक पीढ़ी दर पीढ़ी इह काम करदे आ रहे हन। तीर्थ पुरोहित दी मान्यता उस ही ब्राह्मण नूं मिलदी है जिन्हां दे पूर्वजां दी हरिद्वार विच गद्दी स्थापित होवे, जिथों दी कई वंशां तों तीर्थ पुरोहित दा कार्ज कीता जा रहा है। एक पुरोहित की पहचान ही है, वही खाते ही हैं जिनके आधार पर हम लोग अपना ये पुरोहिताई का कर्म करते हैं। जो जिस क्षेत्र का पुरोहित होता है उस क्षेत्र के पुरोहित के अनुसार उसके पास उस तरह का सारे इलाके का जो है उनके पास बायोडाटा एक वही के रूप में होता है, जिसके हमारे पास आने वाले यात्री को हम लोग दिखा करके उसको अपना विश्वास दिला करने के बाद फिर अपने आप को हम उसका पंडा कराने का अधिकार रखते हैं। हरिद्वार नू हिंदू धर्म दे 7 पवित्र स्थानों विचों एक मन्या जांदा है। पुराने समय तो मुक्ति दे इस शहर विच हिंदू धर्म दे पूजा पाठ क्रिया कर्म चल रहे हन। तीर्थ पुरोहित ही ये सब कर्म कांड करवांदे हन। जिन्हां पोथियां च जजमाना दे रिकॉर्ड रखे जांदे हन ओह तीर्थ पुरोहितां दी पुरखी जायदाद हुंदी है। हाँ, ये हमारी पैतृक संपत्ति में आता है। पैतृक संपत्ति हमारे जो बुजुर्गों की जो धरोहर है वो पैतृक संपत्ति यही है। हमारे बुजुर्गों ने तीर्थ में, ये तीर्थ है हरिद्वार, एक तीर्थ है, तीर्थ को तीर्थ के रूप में देखा। तीर्थ में उन्होंने अपनी कोई इसके अलावा कोई अपनी संपत्ति नहीं बनाई, सिर्फ ये भैयात ही बना के गए हैं। हमारे पूर्वजों की ये सोच रही है कि तीर्थ में ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हरिद्वार में हमारे को एक अमूल्य धरोहर हमारे जो पूर्वज हैं ये वही के रूप में देखे गए हैं, जो कि इसकी हमारी एक निजी संपत्ति के रूप में इसको हम देखते हैं। तीर्थ पुरोहितां दी गद्दी अधीन कुछ विशेष खेतर, सूबे, पिंड, गोत्र, जाति आदि आउंदे हन, जिन्हां दे हिसाब नाल ही तीर्थ पुरोहितां दे जजमान तय हुंदे हन। इस समय धर्म नगरी हरिद्वार विच तीर्थ पुरोहितां दी लगभग 2 से 2,500 गद्दियां मौजूद हन, जिस च पूरे देश दे तीर्थ पुरोहित शामिल हन। तीर्थ पुरोहित दी सब तो कीमती कुंजी उस दी वही हुंदी है। इस वही खाते च वंशावली नूं संभाल के रख्या होया है। तीर्थ पुरोहित दे मुताबिक वही खाता इन्ना जरूरी है कि कोर्ट च इस दी गवाही तक जायज है। इस वही को वंशावली कहते हैं। हमारे इन भइयों में यही मान लो कि वंश की परंपरा के अनुसार लगभग 300 साल का रिकॉर्ड हमारे भइयों में है, जिसमें आजकल के समय में 10-12 पीढ़ी तक की रिकॉर्ड भई में हमारी मौजूद है और कोर्ट की तरफ से भी इसको मान्यता है। आजकल जो भी यात्रियों के आपसी विवाद या किसी के विवाद कोर्ट के चेहरे में चलते हैं उसमें हमारी भई जो है गवाह के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तीर्थ पुरोहित अपने बही खाते च जजमाना दे कई सौ सालां दा पूरा इतिहास, वंशावली, कर्मकांड लई आए व्यक्ति दा नां, पिता, दादा, परदादा दा नां, रहिण दी थां, सूबा, पिंड, गोत्र ते जाति दा पूरा रिकॉर्ड रखदे हन। तीर्थ पुरोहित दे वंश च जे मुंडा ना होवे तां बही खाता धी नूं मिल जांदा है। बेटी है, उसके कोई और लड़का नहीं है, दामाद है, लड़की है, तो जो उसके लड़की के माँ बाप होते हैं वो अपनी संपत्ति सब लड़की के नाम कर जाते हैं, क्योंकि तो उसका वही वारिस हो गया, तो वो प्रॉपर्टी टोटल लड़की के घर आ जाती है, यानी कि दामाद की, और देख 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 जो भी होगी वो दामाद ही करेगा। आम बही खाते दी किताब वर्गी दिखन वाली तीर्थ पुरोहितां दी वही दी कीमत लखां च है। ईटीवी भारत नाल होई गलबात च तीर्थ पुरोहित ने दस्या कि किसी भी वही दी कीमत तय करन लई उस दी वही च लिखी साल भर दी आमदनी वेखी जांदी है, जिस तों बाद वही दी कीमत निर्धारित कीती जांदी है। ये तो जो जैसी जैसी उसकी आवक होती है, जैसे जैसे जाते आता है, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, जैसे जैसे जिसकी भी संपत्तियां होती हैं, जिसकी जैसी आमदनी होती है उस हिसाब से तो देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.